तो भाई लोग यहाँ पे जो कि आप लोग यहाँ पे फोटो देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग फोटो देख रहे हैं, फेस स्मूथ जो है कि फोटो एडिटिंग देख रहे हैं, एंड कुछ इसी टाइप से आप लोग को भी सिखाऊंगा, ठीक है भाई लोग। यहाँ पे इस टाइप से फोटो को कुछ उसी टाइप से एडिट करना सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर शेयर ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड शेयर ऑल ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का जो है कि स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर क्या करना है, फोटो को सेंड कर देना है, जो कि स्नैपशीट जो है कि पत्ता वाला ऐप है, ठीक है, जो कि आप लोग तो जानते नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे नीचे जो कि आप लोग देख सकते हैं टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा एक, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ पर हम लोग टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग को क्या करना है भाई लोग, यहाँ पे देखिए टून इमेज का ऑप्शन आ जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, एंड हल्का सा हम लोग ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे कुछ इतना। एंड इतना होने के बाद भाई लोग आप लोग को क्या करना है, सेचुरेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। सेचुरेशन को हल्का सा प्लस कर देंगे, एकदम हल्का सा। एंड एम्बियंस को आप लोग को हाई कर देना है प्लस एकदम, ठीक है। एंड 100 प्लस कर देना है। हाईलाइट को हल्का सा माइनस कर देना है। एंड यहाँ पे शैडो को हल्का सा प्लस करके नीचे की तरफ से आप लोग को क्या करना है, डाउन कर लेना है, ठीक है भाई लोग। इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे डाउन कर देना है। एंड इतना होने के बाद भाई लोग आप लोग को फिर से क्या करना है, फिर से यहाँ पे हम लोग को टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा भाई लोग, जो कि डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डिटेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एंड इसको स्ट्रेच को आप लोग को प्लस कर देना है कुछ इतना 15 के आसपास में। एंड नीचे के तरफ से आप लोग को यहाँ पे सेव का ऑप्शन डाउन कर देंगे, ठीक है भाई लोग। एंड इतना होने के बाद आप लोग को फिर से जो कि आप लोग यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, एंड हम लोग को फोटो को कहाँ पर शेयर करना है, जो कि स्नैपशीट जो कि लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं LR एड टू LR का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे शेयर कर दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। एंड मैसेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे भाई लोग, तो यहाँ पर हम लोग का जो है कि फोटो आ चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है भाई लोग, जो कि आप लोग यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये रहा हम लोग का फोटो, ठीक है। एंड इसी वाले फोटो को हम लोग कैसे एडिट करना है, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं और एडिट का ऑप्शन है, तो इस एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पर जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा खुद का लाइटरूम प्रीसेट है, ठीक है भाई लोग। तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई लोग, आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर हम लोग को क्या करना है भाई लोग, जो कि यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस कॉपी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग को डाउन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस डाउन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, बैक आ जाएंगे, ठीक है भाई लोग। इतना होने के बाद आप लोग को फिर से क्या करेंगे, हम लोग गैलरी में आ जाएंगे, एंड यहाँ पर हम लोग का जो है कि ये रहा हम लोग का फोटो, जो कि रियल और बिना एडिटिंग वाला, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे भाई लोग, सॉरी भाई लोग, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा ना, स्नैपशीट में आया होगा, तो स्नैपशीट में आ जाएंगे। एंड ये रहा हम लोग का रियल फोटो, ठीक है, ये रहा हम लोग का रियल फोटो जो एडिटिंग किया था स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर से, तो इस पर आ जाएंगे। एंड इस पर आने के बाद भाई लोग आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा पेस्ट सेटिंग, ठीक है भाई लोग। इतना करने के बाद हम लोग को पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे हम लोग पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे भाई लोग, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, जो कि नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एंड एडिट वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। एंड जैसे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का जो है कि लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे एंड सबसे नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग का जो है कि आप लोग देख सकते हैं दो गो यहाँ पे HDR का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको भी ऑन कर लेना है, ठीक है। एंड जैसे ही इसको ऑन करेंगे, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा एक ऑप्शन और शेयर वाला ऑप्शन, ठीक है भाई लोग, सबसे ऊपर देखिए, ठीक है, सबसे ऊपर देखिए शेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग को क्या करना भाई लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि सेव कॉपी टू डिवाइस, ठीक है भाई लोग, यहाँ पर आप लोग को ध्यान से देख लीजिए और ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को सेव टू डिवाइस, और यहाँ पर इस पर हम लोग को क्लिक करना है एंड फोटो का जो है कि फोटो हम लोग का यहाँ पर
सेव हो जाएगा गैलरी में। ठीक है भाई लोग, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है, तो अभी आप लोग का जो कि फोटो गैलरी में सेव होगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर गैलरी में सेव हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग को सीधे गैलरी में आ जाना भाई लोग। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग गैलरी में आ चुके हैं। ठीक है भाई लोग, इतना होने के बाद आप लोग को फिर से क्या करना है, एंड यहाँ पर हम लोग को इसको हम लोग को शेयर कर लेना है फोटो को। ठीक है भाई लोग, इसको हम फोटो को शेयर कर लेते हैं जो कि ऑटोडेस्क स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर। ठीक है भाई लोग, इसके अंदर जैसे हम लोग आते हैं तो इसके अंदर हम लोग जैसे ही आते हैं भाई लोग, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा सबसे ऊपर जो कि आप लोग देख सकते हैं ब्रश वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रश वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे हम लोग, एंड इसके बाद हम लोग को यहाँ पे नीचे आ जाना है, एंड इतना सारा हम लोग का जो कि ब्रश मिल जाएगा। तो इतना सारा ब्रश मिलने के बाद हम लोग को क्या करना है, इस वाले ब्रश को क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले ब्रश को चूज करने के बाद भाई लोग आप लोग का जो है कि यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग आप लोग को देख लेना है। ठीक है, एंड ध्यान से सेटिंग आप लोग देख लीजिएगा, एंड इतना होने के बाद कट कर देंगे भाई लोग। एंड यहाँ पर हम लोग को क्या करना है जो कि फेस को स्मूथ करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फेस को हम लोग स्मूथ कर रहे हैं, एंड बहुत ही गजब तरीके से जो कि हम लोग का फोटो जो है कि फेस स्मूथ हो रहा है, एंड थोड़ा सा भी जो है कि दिक्कत नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत गजब तरीके से हम लोग का जो है कि फेस स्मूथ हो रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग भी कुछ इसी टाइप से आप लोग भी कर लीजिएगा फेस स्मूथ, एंड बहुत ही गजब तरीके से। एंड आप लोग क्या करिएगा, प्रीसेट को डाउनलोड करके इस पर अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद मिलते हैं भाई लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू। प्लीज़ यार आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक उनको प्रेस कर दीजिए, एंड जरूर आप लोग लाइक जरूर करिएगा भाई लोग। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। तो